कि समय समय पर इन कंपनियों को अपनी दवा बेचनी है और दवा बेचनी है तो उसके लिए माहौल बनाते हैं, वातावरण तैयार करते हैं। और वो वातावरण और माहौल कैसे तैयार किया जाता है उसका ताजा उदाहरण है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, सारे देश में हल्ला हो रहा है, अखबारों में फ्रंट पेज पर खबर छप रही है, टीवी चैनलों पर दूसरी न्यूज ही नहीं है सिवाय इसके कि स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू। हर दिन कैंसर से 1500 लोग मरते हैं औसतन, और 1200 लोग करीब करीब दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं। हृदय घात की बीमारियों से 800 से 1000 लोग हर दिन मरते हैं। तो इतनी बड़ी मौत के आंकड़े हैं, कैंसर, हार्ट अटैक, दमा अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस, उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू स्वाइन फ्लू, इसका एक रहस्य है। रहस्य इसका यह है कि कैंसर का वैक्सीन नहीं बनता, ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन नहीं बनता, दमा का वैक्सीन नहीं बनता, अस्थमा का वैक्सीन नहीं बनता, हृदय घात का वैक्सीन नहीं बनता। मतलब सीधा सा ये है, जिन बीमारियों के वैक्सीन नहीं बन सकते उन बीमारियों पर मीडिया चर्चा नहीं करता, क्योंकि उनसे कंपनियों को कोई बड़ा लाभ होने की गुंजाइश नहीं। स्वाइन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, एवियन फ्लू का वैक्सीन बन सकता है, सार्स का वैक्सीन बन सकता है, और थोड़े दिन पहले एक वर्ल्ड फ्लू आया था उसका वैक्सीन बन सकता है। तो एवियन फ्लू है, वर्ल्ड फ्लू है, सार्स है, स्वाइन फ्लू है, इन सब बीमारियों के वैक्सीन बन सकते हैं और वैक्सीन बनकर बाजार में बिक सकते हैं, और इसमें विदेशी कंपनियों को मुनाफा बहुत भयंकर है। इसलिए मीडिया में ये सारी खबरें बाकायदा प्रायोजित तरीके से दिया जाती है, छपवाई जाती है, बनवाई जाती है। एक अमेरिकन कंपनी है, वो स्वाइन फ्लू की दवा बनाती है टैमी फ्लू, और जानकारी यह मिली है कि टैमी फ्लू दवा को बनाते समय वायरस जो है अनकंट्रोल्ड हुआ, नियंत्रण के बाहर हुआ, और उसने स्वाइन फ्लू को फैलाना शुरू किया सारी दुनिया। माने एक अमेरिकन कंपनी की बदमाशी से, एक अमेरिकन कंपनी की गैर जिम्मेदारी से स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हुआ और सारी दुनिया के 30 देशों को उसने अपनी चपेट में लिया। अब वो 30 देश हैं वो टैमी फ्लू के ग्राहक हो गए, वायरस निकला अमेरिका से, ग्राहक हो गए उनके दुनिया के 30 देश के लोग। अब वो सब लोग जिनको स्वाइन फ्लू होने की संभावना है या हो गया है, डॉक्टर उनको एक ही दवा लिख रहे हैं, टैमी फ्लू खाओ, टैमी फ्लू खाओ, टैमी फ्लू खाओ। जो विद्वान डॉक्टर हैं और जो इन कंपनियों के चक्कर में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी कई डॉक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि टैमी फ्लू बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि आपने टैमी फ्लू खाया तो ये स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये स्ट्रक्चर बदलने में माहिर है, तुरंत नया स्ट्रक्चर ले सकता है और वो नए स्ट्रक्चर में रेजिस्टेंस आ सकता है, फिर कितना भी टैमी फ्लू खाना ठीक ही नहीं होने वाले। तो ऐसा पूरे देश में आतंक और माहौल फैला दिया, और ये आतंक और माहौल के दो ही उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा टैमी फ्लू दवा बेचना, जो पिछले दसियों साल से इस कंपनी ने उत्पादन करके गोडाउन में भरी हुई है, अब वो गोडाउन खाली करना है। अब ये गोडाउन कोई ऐसा गोडाउन नहीं है जो टूथपेस्ट का हो, रोज इस्तेमाल करें और फेंक दें, ये गोडाउन तो तभी खाली होगा जब कोई दवा का आतंक हो, वायरस का आतंक हो और डर हो और दहशत हो। डर दहशत और आतंक के चलते आदमी मजबूर हो जाता है महंगी से महंगी दवा खाने के लिए और महंगे से महंगा इलाज करने के लिए। तो ये स्वाइन फ्लू का वायरस इसी तरह का एक प्रोपेगंडा है। मुझे तो एक ही बात कहनी है, वो ये कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है, मीडिया फ्लू है, मीडिया ने पैदा कर दिया। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, बहुत गंभीर है, आप उससे अंदाजा लगाइए कि ये कंपनियां कितनी निकृष्ट हैं, कितनी नराधम है। सन 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में एक बीमारी फैली, एवियन फ्लू, वो ऐसा ही था जैसे स्वाइन फ्लू है। और उस बीमारी के फैलने से सारी दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए, जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ लोग उसमें प्रभावित हो गए। और 4.5 करोड़ लोग जो प्रभावित हुए, फिर मैंने ये जानने की कोशिश की कि मरे कितने उसमें से, तो मात्र 6000 लोग मरे थे।
मात्र 6000 लोग मरे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये एवियन फ्लू का वायरस फैला और इसमें 6000 लोग मर गए, सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंक के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना दिया एवियन फ्लू का, और वो वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा उन्होंने। और आपको सुनकर दुख होगा, उस वैक्सीन को लगवाने के बाद 60 लाख लोग मर गए दुनिया में, और पता नहीं कितने अपंग हो गए, कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6000 लोग मरे, बीमारी का वैक्सीन बना और उस वैक्सीन को सारी दुनिया में भेजा गया, फैलाया, सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, ब्राजील में, मेक्सिको में, चिली में, कोस्टारिका में, कोलंबिया में, फिर अफ्रीका में, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, दक्षिणी अफ्रीका में, रोडेशिया में। तो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और भारत में भी हुआ था उसका। वैक्सीन का अंधाधुंध प्रचार हुआ, अंधाधुंध बिक्री हुई, 60 लाख लोग वैक्सीन लगने के बाद मर गए, उसका क्या? एवियन फ्लू में तो 6000 लोग मरे, वैक्सीन लगने के बाद इतने। माने वैक्सीन कितने खतरनाक हो सकते हैं उसका ये अंदाजा आप लगाइए। अब एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए। अब स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आने वाला है और वो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाइन फ्लू का वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगवाने के लिए, और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं 3000 रुपए आएगा। अब हिंदुस्तान में ही अगर आप सोच लो कि अगर 10 करोड़ लोग भी प्रभावित होकर वैक्सीन लगवा लें और 3000 रुपए का एक वैक्सीन आए, तो 30000 करोड़ की बिक्री तो उनकी हिंदुस्तान में हो गई। अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के देशों में अगर हो जाए, हजारों करोड़ का माल बेचेगी एक कंपनी, और इस कंपनी के पास पेटेंट है 20 साल तक, तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को बना के नहीं बेच सकती 20 साल तक। और इसी कंपनी के पास दवा का भी पेटेंट है 20 साल का, तो टेमीफ्लू दवा को कोई दूसरी कंपनी नहीं बनाकर बेच सकती 20 साल तक। तो 20 साल तक एक ही अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी, और उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ रुपए वो लूटेंगे लोगों के दिलो दिमाग में। इसलिए स्वाइन फ्लू का दहशत, आतंक और डर बिठाया जा रहा है। और मैं इसी संदर्भ